हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक ब्लॉग मंत्रा मेरे साथ। आज के वीडियो के अंदर दोस्तों हम जानेंगे कि आप अपने वाईफाई का हॉटस्पॉट जो स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं उसका पासवर्ड कैसे देख सकते हैं, बदल भी सकते हैं, और उसको जो SSID जो नेम रहता है आपके वाईफाई हॉटस्पॉट का वो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है अपने फ़ोन सेटिंग के अंदर। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ओप्पो का F11 Pro, तो उसके अंदर आपको जाना है दोस्तों अदर वायरलेस कनेक्शन के अंदर। ये चीज़ जो है आपको आपके स्मार्टफोन के अंदर वाईफाई के नाम से भी मिलेगी सेटिंग, उसके अंदर जाके आपको पर्सनल हॉटस्पॉट की सेटिंग को सर्च करवा सकते हैं आप, या फिर वहाँ पर जाके अपने वाईफाई की सेटिंग में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको जो पर्सनल हॉटस्पॉट का ये वाला ऑप्शन मिलेगा उसके अंदर आप जैसे ही जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद आपको नीचे ये पर्सनल हॉटस्पॉट की सेटिंग मेरे में यहाँ पर ओपन में है, लेकिन बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर ऊपर यहाँ पर राइट कॉर्नर में एडवांस सेटिंग का ऑप्शन होता है उसके अंदर देखने को मिलती है। तो आपको पर्सनल हॉटस्पॉट की सेटिंग फाइंड आउट करवानी है और ऊपर ही मिल जाती है तो बहुत बढ़िया। उसको जैसे ही आप ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको नेम दिखाई देगा, जिसमें आपके स्मार्टफोन का जो नेम होता है वो बाय डिफॉल्ट लिखा रहता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं अगर चेंज करना चाहें तो। या फिर उसके नीचे आप देखेंगे सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इसके अंदर आपकी सिक्योरिटी जो है वो नॉन सेलेक्टेड है तो वहाँ पर कोई भी पासवर्ड मांगता ही नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट सीधा का सीधा कनेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद सीधा कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी आपको हमेशा लगा के रखनी चाहिए ताकि आपका जो डाटा है वे बेफालतू के लोगों के पास मत नहीं जाएगा और वो आपके जो इंटरनेट को नहीं चूस जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिक्योरिटी लगानी है। सिक्योरिटी लगाने के बाद अगर लगी हुई है तो भी, या फिर लगा के आप देखेंगे तो नीचे आपको पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट एक पासवर्ड रहता है अल्फा न्यूमेरिक और सिंबल्स से बना हुआ, जो बाई डिफॉल्ट रहता है रैंडम पासवर्ड बना रहता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से बना के रख सकते हैं। इसके अंदर टैप करेंगे तो यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे पासवर्ड आप अपना चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ छोड़ दीजिए, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना। तो उसके बाद यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन आएगा, सेव के ऊपर आप क्लिक करिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एडिट कर देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इसको एक सेकंड के लिए, और ये मैंने डिलीट किया और मैंने यहाँ पे पासवर्ड रख दिया कुछ भी, और ये मैंने मान लीजिए हमें कुछ भी पासवर्ड रख दिया। उसके बाद आपको सेव कराना है। सेव कराने के बाद जो भी आप अगर आपने नेम चेंज किया तो नेम चेंज हो जाएगा, पासवर्ड चेंज किया तो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने हॉटस्पॉट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जैसा मर्जी आप रखना चाहें वैसा रख सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बने रहिए टेक ब्लॉग मंत्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत।